क्षत्रिय पुजारी को माथा पे बिठा के चलता है, सारे शास्त्रों का विधान है, सब जानते हैं। इस बार परशुराम बाबा ने यही कर दिया कांड, तो अब कहाँ से आ गए भाई? क्या था? हमसे हमारा पुरखा छीन जाता है और पुरखे से उसकी औलाद छीन जाती है। कबीर साहब के साथ यही हुआ, रैदास जी के साथ भी यही हुआ। हम जो पुलिस वाले हैं ना, वो ताकतवर के लठैत बन के रह जाते हैं ज़्यादातर समय। उन्होंने बच्चे ने सीधा मना कर दिया भाई, जाति का नाम लेके कि मैं इस जाति की औरत का दूध पीऊँगा। तुम प्रोफेसर रविकांत चंदन वो वाले खानदान के नहीं हुए, वो इसके आ गए, सोने का जनेऊ तुमने दिखा दिया, अब ठीक है, अब तुमको नहीं मारेंगे, अब तुमको नहीं बोलेंगे कि देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों। अहीर वही है जो आज जिनकी नज़र में अहीर है, कि जिसके जाने पर फिर घर को गंगा जल से धोना जरूरी होता है। विचारकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म भी कहना बंद कीजिए, मैं उसको कहता हूँ पुजारी पूजक। क्या धर्म है? सीधा आप लिंग की पूजा करो, योनि की पूजा करो, या नरमुंड माला पहनने वाली किसी देवी की पूजा करो, या किसी की भी मत करो, आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप मेरी पूजा करते रहो। मेरी पोजीशन को आप जब तक चैलेंज नहीं करते हो तब तक आप असुर नहीं हो। से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर रविकांत चंदन साहब का सभी लोग खड़े होकर अभिनंदन करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। प्रोफेसर रविकांत चंदन साहब के लिए हम सभी का स्टैंडिंग ओवेशन। प्रोफेसर रविकांत चंदन ने जो साहस दिखाया है और जो ईमानदारी दिखाई है, वैसा ही साहस और ईमानदारी कबीर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज साहब, और समय कम है इसलिए बहुत नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामाजिक न्याय के बड़े से बड़े योद्धा, या बहुत सारे ऐसे जिनका हम नाम ही नहीं जानते हैं, क्योंकि नाम हमें हमारी डे टू डे की जीवन के संघर्ष में हमें समझने और पढ़ने का मौका नहीं था, और जो लोग हमारे माथे पर बैठे हुए थे इसी बात का ठेका लेकर, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस और सीधा फ्रॉड, उस सब के माध्यम से उनके नाम हम तक नहीं पहुंचने दिए। मैं अपने वक्तव्य में कबीर जी से लेकर छत्रपति साहू जी तक और एक दो बार आऊँगा, अगर कलबुर्गी गोविंद पानसरे और दाभोलकर और गौरी लंकेश जैसा कुछ नहीं मेरे साथ हो गया तो वो किताबें ज़रूर आएंगी आपके सामने, वो चीज़ें आएंगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि हम, हालांकि मैं यहाँ उस हैसियत से नहीं बोल रहा लेकिन मैं हूँ वहाँ, हम जो पुलिस वाले हैं ना, वो ताकतवर के लठैत बन के रह जाते हैं ज़्यादातर समय, तो उनको न्याय कौन देगा दिलाएगा ये समय बताएगा। मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि जो विधवा ब्राह्मणी वाली बात थी और ऐसी ही चीज़ें सिर्फ यहाँ नहीं थी, कबीर साहब के बारे में नहीं थी, और हमारे वक्ताओं ने बिल्कुल सही पकड़ा कि उसके पीछे का कारण ये था कि लोग किसी न किसी रूप से ये दिखाना चाहते हैं कि जहाँ प्रतिभा है, जिसने सारे विरोध के बावजूद इतना बड़ा अपना अपने लिए यश पैदा किया और एक ताकत दी लोगों को, लाखों लोग अनुयायी रहे और हमारी सारी साजिशों के बाद भी हम उनका नाम इतिहास से न मिटा सके, वैसे लोग और कहाँ से आई ऐसी प्रतिभा? तो उसके लिए ऐसी गंदी गंदी घटिया कहानियाँ ये गढ़ते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, या उसके लिए 20-20 तरह की और साइड में एक वर्जन ये आएगा कि रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया विधवा को, तो लेकिन वो तो चमत्कार है, चमत्कार को तो बढ़ावा देना इनका, इन्हीं की अपनी जो स्टाइल है, मोडस ऑपरेंडाई है, कार्यशैली उसका हिस्सा है, उससे हो गया, दूसरा कहेगा कि नहीं, निसंतान दंपति थे, उनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे मिला। मैंने जो हिंदी माध्यम से ही मेरी पढ़ाई हुई है, मैंने जो पढ़ा पाठ कबीर के बारे में, एक पाठ था तो मुझे यही पढ़ाया गया कि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जो लोकलाज के भय से काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई थी, जिसको नीरू एवं नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने पाला पोसा। कितने घटिया हैं ये लोग, पहले तो जीने नहीं देते आपको इज्जत से सम्मान से, और क्या आप विश्वास करेंगे? मेरे साथ ये हो चुका है कि मैंने बाबा साहब तक के बारे में, मुझे बोलने वाला आगरा शहर में एक व्यक्ति मिला, बाबा साहब के बारे में भी इसी तरह की बातें,
ये गंदी मानसिकता, ये घिनौनी मानसिकता, मैं कहता हूँ उस तरह की मानसिकता से हजार गुना ज़्यादा खतरनाक है जो मानसिकता जबरन किसी की चीज़ को तोड़ के दूसरी चीज़ बना के और अपनी दुकान का नाम चस्पा कर देती है, जिसमें राजनीति हो जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, खून खराबे हो जाते हैं, ये वैसी मानसिकता है। तो ये सिर्फ कबीर साहब के साथ ही नहीं हुआ, ऐसे सभी लोगों के साथ जो वास्तव में इनके सारे पुजारी वर्ग और शोषक वर्ग, शोषक शासक जो रूलिंग एलीट होता है और वो पुजारी, ये इतिहास है कि ये लोग दोनों आपसी तालमेल कर लेते हैं और उसके बाद मिलकर जनता पर अत्याचार करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, जो ओपिनियन मेकर है, जो आज का मीडिया होना है या जो चीज़ होनी है, जिसको वो जो ठेकेदार है वो अपना पूजा के पुजारी और उसके नाम से उस पर कब्जा कर लेता है, विचार पर कब्जा कर लेता है, और आप और हम डे टू डे की लड़ाई में अपने संघर्ष, अस्तित्व, अपने जिंदा रहने का संघर्ष, श्रमजीवी जो कहा जाता है, उसमें डूबे रह जाते हैं और ये लोग सब कुछ छीन के चला जाता है, हमसे हमारा पुरखा छीन जाता है और पुरखे से उसकी औलाद छीन जाती है। कबीर साहब के साथ यही हुआ, रैदास जी के साथ भी यही हुआ। रैदास जी के बारे में भी यही कहानियां प्रचारित की गई हैं कि साहब वो रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी था, वो उस पर प्रसाद जो कहीं से भिक्षा मांग के लाया था, तो वो भिक्षा किसी ऐसे वैश्य के यहाँ से ली थी जो एक इस जाति के, जिस जाति में बताया जाता है कि रविदास जी का, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ कि उस जाति में जन्म हुआ था, उस जाति के किसी व्यक्ति से उसका कारोबार था, उस बनिया का, जिससे इसने भिक्षा मांगी और रामानंद ठाकुर जी पर चढ़ाई, तो ठाकुर जी उनको पता चला क्या है, तो रामानंद जी ने कहा नहीं, श्राप दे दिया, जात हुआ इसी जाति में जन्म ले। तब उस जाति में रैदास जी का जन्म हुआ और जन्म के बाद ही, क्या बात है साहब, पहले ही दिन अब बच्चे ने दूध पीने से इनकार कर दिया माँ का, क्योंकि माँ तो उस जाति की है, उस जाति विशेष की है, वो जिनके गर्भ से वो उत्पन्न हुए हैं, तो उन्होंने बच्चे ने सीधा मना कर दिया भाई जाति का नाम लेके कि मैं इस जाति की औरत का दूध पीऊंगा। तब फिर व्यवस्था की गई कि भाई जिस जाति की औरत से पी के तू पलना बढ़ना पसंद करेगा, तुझे छूत नहीं लगेगा, उस जाति का व्यवस्था, तब रैदास पल बढ़े। ये कहानी है एक तरफ। एक और कहानी है कि कहीं सभा में कहीं वो हुआ तो अच्छा ये जाति का ये करेगा, तब रैदास जी ने अपनी खाल ऐसे खींची और खाल के नीचे सोने का जनेऊ दिखाई दिया, तब लोग कन्विंस हुए कि हाँ अब ठीक, अब तुम बात कह सकते हो, अब तुम प्रोफेसर रविकांत चंदन वो वाले खानदान के नहीं हुए, वो इसके आ गए, सोने का जनेऊ तुमने दिखा दिया, अब ठीक है, अब तुमको नहीं मारेंगे, अब तुमको नहीं बोलेंगे कि देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये अब नहीं बोलेंगे, अब कोई बात नहीं। ये चीज सूरदास, हालांकि कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, लेकिन इतना टैलेंटेड कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहां तह करत प्रकाश। तो सूरदास को, जिसको कवित्व के क्षेत्र में सूर्य माना गया, वो इनकी कम्युनिटी का नहीं था, लेकिन पुजारी जाति ने उनको भी जहां था ऐसी कहानी डाल दी कि ये इस जाति से आते थे। किस लिए? कि हीरो और प्रतिभा अगर हम नहीं भी पैदा कर सके, चूंकि हमारी ज्यादा प्रतिभा तो बेईमानी में गुजरती है ना, लोगों को मूर्ख बनाने में, तो सच्चे हीरो हम नहीं भी पैदा कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे का झूठी झूठी कहानियां बनाने का, चूंकि हमारे ही पास था उसका पूरा, हम ही पब्लिशर थे, हम ही प्रिंटर थे, हम ही कॉपियर थे, और हम ही वो जवान बोल भी सकते थे, लिख भी सकते थे। सूरदास के साथ भी हुआ, कबीर साहब, सूरदास और रैदास के साथ मैंने देखा, इतने बड़े लोग, इतने टैलेंटेड लोग इनके पीछे। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, इससे भी आगे कहना चाह रहा हूँ, जो बहुत लोगों को धक्का लग सकता है, मिशन के आदमी हैं, लेकिन हमारे यादव शक्ति की पत्रिका वाले चंद्रभूषण सिंह यादव जी को भी थोड़ा झटका लग सकता है, तो चंद्रभूषण सिंह अहीर से नहीं जुड़ पाए, उनका लोग बोला चंद्रभूषण सिंह यादव, अनिल किशोर अहीर से नहीं जुड़ेगा, अनिल किशोर यादव अहीर वही है जो आज जिनकी नज़र में अहीर है, कि जिसके जाने पर फिर घर को गंगा जल से धोना जरूरी होता है, और वो जो नेता अपने को समझे बैठे हैं ना कि हम बहुत बड़े यादव हैं, उनकी हिम्मत ये बात कहने की नहीं पड़ती है, वो दूसरे भाइयों से बदतमीजी कर लेंगे, नीरज भाई ने कवर भी किया था, लेकिन ये कहेंगे हम इनके अवतार का ये बनाएंगे और ये परशुराम का हम ये बनाएंगे। तो मैं कह देना चाहता हूँ चंद्रभूषण सिंह यादव जी से मेरी रिक्वेस्ट है
कि अपनी यादव शक्ति पत्रिका का नाम बदलकर अगर यादव शक्ति के बजाय कुछ और कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और ये समझ लें, मेरी अब तक की रिसर्च, अगर मैंने पहले ही कहा कि मेरा कलबुर्गी, पानसरे, दाबोलकर, लंकेश नहीं हो गया तो मैं ये चीज़ लिखूंगा और पब्लिश होंगी, भले ही कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस के तहत उनको सीमित दायरे में रख दिया जाए, लेकिन वो होंगी। ये किस लिए? ये इसलिए कि सीधा अहीर को अगर ये कह देंगे कि अहीर था, तो अहीर बाद में जो जिंदा रह गए तो उनका मनोबल बढ़ता है। ये सबक ये लोग ले चुके थे बुद्ध और महावीर के बाद कि अगर आपका मनोबल ऊंचा होता है, बुद्ध शाक्य थे, शाक्य खत्तीय, पाली में खत्तीय, अब क्षत्रिय कितना खत्तीय से बना है और कैसे क्षत्रिय बना ये अभी भी विवाद का विषय है। मैं अभी कहना पसंद करूंगा कि शाक्य खत्तीय, पाली भाषा वाला, और वो लिच्छवी महावीर आए, लिच्छवी खत्तीय, इन्होंने इनके पेट पर ही लात मार दी। आगे से इन्होंने किया व्यवस्था कि किसी को सोशल स्टेटस जरा भी मिल जाएगा तो उसका मनोबल, उसकी औलाद का ऊंचा रहेगा, उसके अनुयायियों का ऊंचा रहेगा, बहुत बड़ा खतरा है। तो इन्होंने सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इसके लिए, इस तहत, इस चीज के लिए इनके थिंक टैंक ने एक बहुत शानदार रास्ता निकाला। चंद्रमा का पुत्र बुध, बुध का पुत्र एल, एल का पुरूर्वा, पुरूर्वा का आयु, आयु का नहोस, नहोस का ययाति, और ययाति का सबसे बड़ा बेटा यदु, और यदु की औलाद हो गई यादव, जैसे मनु की हो गई मानव, रघु की हो गई राघव वगैरह, संस्कृत ग्रामर के उकारांत अगर शब्द है तो उसका इस तरह से बनता है। आठवीं पीढ़ी पे यदु आ गए, यादव आ गए। ये कहानी बना के, अब वो जेल में था, विष्णु का अवतार था तो इसलिए जेल के वो सब पहरेदार सो गए, जेल के फाटक खुल गए, वसुदेव ले जाके ट्रांसप्लांट कर दिए गोकुल में। अरे कंस का खतरा यहाँ तक था, वहाँ तक नहीं था, ठीक है भाई, कहाँ पल रहा है वो ग्वालों के यहाँ, दुनिया कैसे जान रही है ग्वालों का, उसके अनुयायी कौन है, ग्वाले, वो समझ रहे हैं उसको ख़त्म नहीं कर सके, भले ही पुरानी हमारी व्यवस्था थी, तो उसकी ताकत भी हम इस्तेमाल कर लें, उसका वोट बैंक भी अपनी तरफ खींच लें, उसके वोट से, उसकी ताकत से, उसके लठ से हमारा राज मजबूत हो, और इन जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे वर्चस्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, बौद्ध, जैन, आजीविकज, ये जो ग्रेटर मगध के ये जो विचारक थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए अहीरों की लाठी का इस्तेमाल किया। इसलिए विष्णु का अवतार सबसे पहले मानव अवतार, इंसान के फॉर्म में सबसे पहले कृष्ण को बना। ये अलग बात है कि चूंकि सारा कुछ मेरे ही पास है तो कभी भी मैं बैक डेटिंग करके आगे पीछे कर दूंगा, तो राम को त्रेता युग में दिखाया और कृष्ण को द्वापर युग में, राम पहले दिखाया, कृष्ण बाद में। इस धर्म को, जिसका नाम हम सब हिंदू धर्म कहना चाहते हैं, लेकिन मैं विचारकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म भी कहना बंद कीजिए, मैं उसको कहता हूं पुजारी पूजक, पुजारी की पूजा करने वाला धर्म है। क्या धर्म है? सीधा आप लिंग की पूजा करो, योनि की पूजा करो, या नरमुंड माला पहनने वाली किसी देवी की पूजा करो, या किसी की भी मत करो, आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप मेरी पूजा करते रहो। मेरी पोजीशन को आप जब तक चैलेंज नहीं करते हो तब तक आप असुर नहीं हो, अन्यथा मेरी पूजा करने से इनकार करते हो तो ग्रेटर मगध के ये जो धर्म थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो वो इतने बड़े खतरनाक है। विष्णु पुराण में ही मैंने एक चैप्टर में कहानी देखी, एक राजा और रानी बड़े धार्मिक थे, गंगा किनारे जाके प्रातः स्नान करके दान देते थे, उसके बाद घर लौट के आए, फिर कुछ देर बाद देखें कि राजा साहब गायब हैं। महारानी ने पूछा, पुरोहित आया, ये तो हैं साहब, सामने एक कुत्ता बैठा दुम हिला रहा जोर जोर से, कि राजा साहब तो ये है, ये क्या हो गया, मेरे महाराज को क्या हो गया? बोला, अरे सुबह आप आ रहे थे तो आप तो अच्छी निकली, आपने तो मुंह फेर लिया था, ये तो उधर से आ रहा था, वो उससे बात करने लगे ना, रविकांत चंदन, अनिल किशोर यादव, राजेंद्र पाल गौतम, ये सब आ रहे थे, यानी बौद्ध और जैन में से लोग, उनसे बात करने मात्र से वो कुत्ता बन गया उसका राजा। इतनी आक्रामक कहानी हमने डाल दी, औरतें और ज़्यादा धर्म भीरू होती हैं तो औरतों को अटैक कर दिया, तेरा हस्बैंड ने कुत्ता बन गया, अब बताइए, अब उनका फॉलोअर, उनकी गलती कहाँ थी? उनका कुछ नहीं, वो असुर इसलिए हो गए, असुर का जो पुराना विशेषण था उसको उन लोगों पे आयत कर दिया जो हमारी सत्ता को चुनौती देते हैं, हमारा, जिसको बाद में तुलसीदास ने बहुत मजबूती दी, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न वेद पुराण प्रवीणा।